छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला ऊर्जाधान में फर्जी पत्रकारों के वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद को नेशनल चैनल का प्रतिनिधि बताकर वसूली करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आज रामपुर चौकी में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शहर के गुप्ता दंपति ने योजनाबद्ध ढंग से TV24 एवं डी न्यूज छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि बताकर कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न शासकीय कार्यालयों में विज्ञापन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। इसकी सूचना किसी ने रामपुर चौकी को दे दी। चौकी प्रभारी सुनील कुर्रे ने तत्परता दिखाते हुए फर्जी महिला पत्रकार को हिरासत में ले लिया है। वहीं चैनल से संबंधित वैध दस्तावेज मांगने पर महिला ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उससे पुलिस संतुष्ट नहीं हुई है, जिस पर उसके खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस मामले में महिला के पति की तलाश में भी जुट गई है। पकड़ में आई महिला का नाम मधु गुप्ता और उसके पति का नाम राहुल गुप्ता बताया जा रहा है, जो कि कोरबा के ही रविशंकर शुक्ल नगर के रहने वाले हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि करीब एक माह पहले तक राहुल गुप्ता साधना न्यूज में बतौर कैमरामैन कार्यरत था, जो TV24 के नाम से कोरबा क्षेत्र में अवैध वसूली करते पकड़ा गया था, जिसके बाद साधना न्यूज ने राहुल गुप्ता को अपने न्यूज संस्थान से पृथक कर दिया था और उक्त खबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।